तो आपका पैन और आधार यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने जो भी पैन नंबर फिलअप किया था वेरिफिकेशन के लिए, उससे कोई भी GST फाउंड नहीं हो रही है, यानी कि कोई भी GST नंबर अप्लाई नहीं है उस पैन कार्ड से, जिसके लिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके स्टेट में GST मैंडेटरी नहीं है, या फिर आपके प्रोडक्ट पर GST एप्लीकेबल नहीं है, या फिर आपको GST रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या कोई अदर रीज़न है, यानी कि इनमें से क्या रीज़न है क्यों आपके पैन कार्ड से GST अप्लाई नहीं है। तो जो भी रीज़न है आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है। अगर अदर रीज़न सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर अपना रीज़न टाइप करना होगा कि क्या कारण है, और उसके बाद प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछता है कि डू यू हैव GST इन रजिस्टर्ड फॉर योर बिजनेस। तो अगर GST इन रजिस्टर्ड है तो आपको यस कर देना है, अदरवाइज नो कर देना है। यस पर क्लिक करेंगे तो आपको GST नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा, और अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप नीचे की तरफ बिजनेस डिटेल्स के सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पर नेम ऑफ बिजनेस में आपका बिजनेस जिस भी नाम से है उसे यहाँ पर टाइप करना है। किस डेट से आपने बिजनेस स्टार्ट किया है वो डेट आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टेट और यहाँ पर सिटी सेलेक्ट कर लेना है। पैन नंबर ऑलरेडी फिलअप है, यहाँ पर आपको बताना है कि आपके कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं और आपने एक कस्टमर को कितना मैक्सिमम सेल किया है, ये यहाँ पर फिलअप कर देना है। फिर आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको पूरा बैलेंस शीट बनाना है, जिसमें कि हर महीने आपकी कितनी सेल होती है ये यहाँ पर आपको फिलअप करना है मंथ वाइज, और उसके बाद प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब हमारे सामने नेक्स्ट पेज आएगा जहाँ पर हमें अपनी फाइनेंशियल डिटेल को फिलअप करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सेक्शन में आपको फाइनेंशियल ईयर की डिटेल्स फिलअप करनी है, और यहाँ पर आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के प्रोजेक्शन की डिटेल्स फिलअप करनी है। यहाँ पर आपको दोनों ही ईयर के सेल्स डिटेल्स फिलअप करनी है। उसके बाद आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हुआ है, जो भी हुआ है उसे फिलअप करना है। उसके बाद आपके पास इन्वेंट्री कितनी है वो फिलअप करना है। फिर डेप्टर्स से क्या अमाउंट रिसीव होता है वो फिलअप करनी है, अगर कुछ रिसीव होने वाला है सब फिलअप करना है। उसके बाद क्रेडिटर्स को क्या पे करना है वो फिलअप करना है। यहाँ पर अगर आपने कोई मशीनरी वगैरह परचेज की है, इक्विपमेंट्स वगैरह, तो उसकी डिटेल्स फिलअप करनी है, अमाउंट फिलअप करना है, नेटवर्थ फिलअप करनी है, टोटल असेट्स फिलअप करना है यहाँ पर अमाउंट आपको, और टोटल लाइबिलिटीज़ की अमाउंट यहाँ पर आपको फिलअप करनी है, और उसके बाद प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर हमें अपनी बैंक डिटेल्स फिलअप करनी है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पर आप अपने बैंक स्टेटमेंट को अपलोड करके भी बैंक डिटेल्स फेच कर सकते हैं, अदरवाइज आप वेरीफाई अकाउंट करके भी यहाँ पर फेच कर सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिए। अपलोड बैंक स्टेटमेंट का ऑप्शन चूज़ करेंगे तो आपको स्टेटमेंट अपलोड करनी होगी अपने बैंक की। मैं वेरीफाई अकाउंट का ऑप्शन चूज़ करती हूँ, तो हमें यहाँ पर अपना अकाउंट वेरीफाई कराना होगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले अकाउंट होल्डर का नाम टाइप करना है, फिर अकाउंट कब से चल रहा है वो ईयर और मंथ टाइप करना है, फिर बैंक अकाउंट नंबर फिलअप करना है और नंबर को कंफर्म करना है, यहाँ पर दोबारा फिलअप करना है, अकाउंट टाइप सेलेक्ट करना है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, जो भी है आपका। उसके बाद IFSC कोड फिलअप करना है अपने बैंक का, और वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा बैंक अकाउंट वेरीफाई हो चुका है सक्सेसफुली। हम नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं।